नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज दिन है सोमवार और दोपहर का समय हो गया, 1:15 बज गया पूरा। और मैं अब बनाऊंगी खाना, बच्चे गए हुए हैं स्कूल। और खाने में देखिए मुझे क्या बनाना, राजमा बनाया था मैंने सुबह बच्चों के लिए जब स्कूल गए थे बच्चे, ये रखा है राजमा बना हुआ। बस अब मुझे चावल और रोटी बनानी। चावल मैंने भिगो दिए रखे भिगे हुए, थोड़ी देर तक इनको भिगो कर रखूंगी तभी अच्छे बनेंगे, और बस फिर रोटी बना लूंगी। और आपको बताऊँ, आज मुझे याद नहीं रहा कि मुझे मतलब राजमा बना रखा। अभी अभी मैं लौकी लेकर चल दी थी, मगर लौकी बनाऊंगी। फिर जब किचन में गई चक्कू वगैरह उठाने लगी, जब देखा ये कुकर में क्या आया, फिर ध्यान आया, पता नहीं कैसा दिमाग हो रहा, बहुत चीजें भूलने लगी। और रखी सब्जी और फिर भी बना रही। ऐसा ही है आपको डॉक्टर में पूरा हाँ सही बात है। तो और देखिए ये बाबूजी क्या ले रहे हैं, क्या लाया है इसमें? ये है कोई ऑर्डर जी, आया क्या? आया इसमें अभी अभी आया, और लेकर बैठ गए। अच्छा, ये बुक कर रखा था मोबाइल, किसके लिए? ये जो इसमें ना तो आवाज आती इस मोबाइल में और ना आती इसमें वीडियो भी धुंधली सी आ रही है, तो इस वजह हाँ से मोबाइल बुक करा था। अब ये मोबाइल जो है आप विश्वास नहीं करोगे, ये इसकी खुद की मेहनत का वो है, मतलब इसके भी लोग की आमदनी पे ही ये मोबाइल लिया जा रहा। मेरी मेहनत है, आपका सपोर्ट है और आशीर्वाद है। उस सब की मेहनत जो अब तक आई है, अब तक की जो मेरी मनी आई है, मतलब जो भी मुझे मिला, तो उसको सपोर्ट मैंने तो पूरी इकट्ठा फैमिली का है, करके पूरे परिवार का। और मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया उससे इकट्ठे करे, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही थी वीडियो बनाने में। फोन आप देख भी रहे होंगे, कभी लाइट कम बहुत कभी दिनों से कह ज्यादा, रही थी आप बहुत मोबाइल परेशान चाहिए हो रही थी मोबाइल मैं चाहिए वीडियो मोबाइल बनाने से। चाहिए, मैं इसे बिना बताए बुक कर दिया था ये तो ये तो। इन्होंने बुक कर दिया, मैं कह भी रही थी। तो वही है, थोड़ा सा बजट के हिसाब से ही चलना पड़ा। कह तो बहुत दिन से रही थी मैं, इन्हें मौका करो कुछ करो, बस इन्होंने थोड़ा सा हिसाब बनाया, बजट बनाया अपना, तो तब इन्होंने लिया। तो आपको दिखा देते हैं, आपके साथ भी शेयर करेंगे कौन सा हमने मोबाइल लिया और कितने का आया, ये सब बता दिया है। ये है जी वन प्लस का 10T, और अभी पिछले महीने ही लिया था एक और इंदु ने, हाँ मम्मी ने दिया था उसे। मम्मी ने दिया था, जो भी मुझे जो भी था वो भी अच्छा रिजल्ट रहा उसका, और इसी वजह से फिर हमने ये लिया। देखो कैसा निकलेगा, ये इसका चार्जर है और इसमें क्या है। मुझे क्या आता, वो असल में बताऊं, मुझे नहीं कोई भी नॉलेज है इन चीजों के बारे में, बस ये है ला दिया तो चला लिया, इतना ही है। मुझे ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये इसका कवर है, नहीं काफी किताब सी है कुछ, ये डॉक्यूमेंट है इसके। और इस पर भी कुछ होता होगा, कार्ड भी है कुछ रेड कलर का, और ये ये इसका कवर है जी। सबसे ठीक आया, ये इसकी सेफ्टी के लिए साथ हाँ साथ इसमें आ में रहा है है। वन प्लस में कवर भी, और इसका भी है वीडियो इस पे वाले वो भी आवे चढ़ा हुआ इसमें टेम्पर्ड ग्लास, लेमिनेशन टेम्पर्ड ग्लास जो क्या टेम्पेशन बोल रहे हैं ऐसे गोरिल्ला ग्लास क्या हो ग्लास क्या हो। और ये कह इसकी लीड है, रहे थे अब चार्जर भी आपके फोन के साथ नहीं इसके तो है वन देखते हैं प्लस जी इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। वरना तो मैं तो बहुत परेशान हो रही थी वीडियो बनाने से, कभी अपने से बनाऊं कभी इनके फोन से। और जब फोन जिस फोन में सिम है ना, उससे वीडियो बनानी तो बहुत महाभारत है, क्योंकि कभी किसी का फोन आ जाए बीच में फिर ही फोन पूरा आ जा किसी को कहीं। फिर पूरा कट करना पड़े, फिर दोबारा से फिर वही शूट करना पड़े, या पता नहीं चलता। मैं तो 2 महीने से बहुत ही दिक्कत में थी, बहुत परेशानी थी मुझे वीडियो बनाने से, बस जैसा न कैसा चला रही थी काम। तो खैर और इस पे ना USB नहीं है, सी पॉइंट ही है, इधर इधर से भी इधर कनेक्ट भी होगा। यही लगेगी और उधर। अच्छा, तो मतलब कोई सा किसी साइड भी लगा सकते हैं, हाँ ऐसा ही है। ये सी पॉइंट ही है, लेकिन इसमें वो कहाँ वो मोबाइल में लगा के वो
सिम डाल लग रहा है जो पिन सी वो अली ये पिन आ गई। तो ये था जी मोबाइल की ओपनिंग। और कितने का है ये तो बता दो, कितने का आया ये? ये जो इंदु ने इंदु को दिया था मम्मी ने वो तो था 55,000 का और वो कब हुई अब 5,000 रूपए कम हो गया इसका रेट। 2 महीने लेट हो गया ना तो वो ही जा रेट डाउन हो जाता है। 5,000 कम है जब 50 यूनिट वैसे तो इसका रेट 49,999 है। 50,000 वैसे तो देखो छोटे भी सोच रहे थे लेने के लिए ले लेंगे लेकिन ये मैं इनको कह रही थी कि छोटा ही ले लो तो ये कह रहे थे नहीं जब लेना तो एक थोड़े दिन रुक जाओ तो अच्छा सा ही ले लेंगे थोड़ा सा बजट बना के क्योंकि ये चीजें रोज रोज तो ली नहीं जाती और स्पेशल अगर काम के लिए है तो और भी ज्यादा फिर ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का क्योंकि हमारा जो काम है वो है ही मेन मोबाइल से ही होता है कैमरे का या कैमरे या मोबाइल। कैमरा भी है हमारे पास लेकिन वो कैमरा बार बार घर में चलता नहीं ना इस पे चलता ढंग से उसके लिए दूसरा आदमी साथ में चाहिए। साथ में चाहिए दूसरा आदमी मेरे पास मैं अकेली इससे कर नहीं पाती अगर ये साथ हो फिर इनका काम छूटा है फिर वो दिक्कत आती है सभी कुछ देखना पड़ता है तो इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा अपना जितना भी समय लगा बस यही सोचा कि थोड़ा ठीक सा ले लेंगे करके फोन। ये आप सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद है आपका सपोर्ट है जब आपने सपोर्ट करा घर वालों का तो जो सपोर्ट है ही घर वाले तो वीवर का उससे भी ज्यादा है वीवर का उससे भी ज्यादा सपोर्ट है और इसकी मेहनत है नहीं सब की पूरे परिवार की है सब मिलजुल कर कर रहे तभी हो पा रहा वरना तो मैं अकेली करती तो मेरे से तो होगा नहीं था। सब मिलजुल कर पूरे परिवार का साथ आपका सपोर्ट आपका आशीर्वाद तब जाकर ये मेहनत हमारी मतलब रख ला रही है तो बस यही तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना आशीर्वाद बनाए रखे अपना सपोर्ट करे ज्यादा से ज्यादा और मैं भी कोशिश करूंगी कि और भी अच्छे लोग ला सकूं आपके लिए कुछ ना कुछ नया क्योंकि कई बार बस थोड़ा सा बिजी रूटीन रहता है और थोड़ा सा की वजह से तो बहुत ही बार अच्छी इंटरेस्टिंग सी वीडियो नहीं बन पाती। हाँ बच्चों की वजह से अभी कभी कोई बीमार उससे थोड़ा मन भी डिस्टर्ब सा रहता है और फिर इतना टाइम भी नहीं मिल पाता ये है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी और भी अच्छा करने की। चलो तो आप कमेंट करके जरूर बताना ये वाला फोन अगर आपने भी चलाया तो कैसा है इसका रिजल्ट और आपको ये कैसा लगा और ये लग गए हैं अपने काम पर। यहाँ पे ये कर रहे हैं कलर जो कुई का ये ढक्कन है ये बनवा तो लिया था तो ये फ्रेम तो पहले से ही था इसके ऊपर जो लोहे का मतलब जो पत्री बोलते हैं या लोहे का ही ढक्कन बनवा दिया इसके फ्रेम के ऊपर ही तो इस पर उन्होंने पेंट नहीं कर रखा था तो जर लगा हुआ था पहले से ही लग रहा था और हमें लग रहा था कि हमने जो बनने के लिए दिया हुआ तो वहीं पे ही पेंट हो जाएगा लेकिन उन्होंने नहीं करा था तो फिर गुड्डू के पापा ने पहले तो इसको अच्छी तरीके से साफ करा बहुत अच्छे से और फिर उसके ऊपर कर रहे हैं स्प्रे कलर और ये बहुत ईजी हो जाता है स्प्रे कलर। मुझे पहले नहीं पता था कि ये पेंट का ही काम करता है लेकिन ये कहने लगे नहीं ये तो पेंट के ही तरह हो जाते हैं मतलब ब्रश से नहीं करने पड़ते बस इनको स्प्रे करके ही करने पड़ते हैं। तो ये पीछे से तो मतलब अंदर की साइड से तो बहुत ख़राब हो रहा था तो इन्होंने जो भी कलर इनके पास पहले ही से ही रखे थे ये कलर मंगाए नहीं थे तो जितने जितने जो भी कलर थे वो सारे यूज कर लिया क्योंकि वेस्ट ही होने लगते थे ये कलर तो ये कहने लगे नहीं ये रखे हैं मेरे पास इनसे ही कर दूंगा वरना ये वेस्ट हो जाएंगे। तो पहले ब्लैक कलर था जितना वो कर दिया वो ख़त्म हो गया अब है ये येल्लो कलर जहाँ पर रह गया थोड़ा सा और मतलब जो थोड़ी थोड़ी जगह रहेगी उधर कर दिया येल्लो और अब यह है फ्रंट साइड ऊपर की साइड ये ऊपर का ढक्कन नया बनाया तो ये भी जरना से शुरू हो गया जर लगना तो यहाँ पे भी इन्होंने इस पे पेंट कर दिया ये करा है जो सिल्वर कलर होता है स्प्रे कलर वो वाला ही और बहुत जल्दी हो जाता है ये वाला कलर और सूख के तो बहुत सुंदर लग रहा बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसा चांदी का नहीं होता सेम ऐसा ही लग रहा और ये इजीली हो जाता है। तो यहाँ छोटे मोटे जो ये काम होते हैं ये अपने आप कर लेते हैं इनमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये मतलब किसी और पर करवाएं।
तो ये कुई का तो ढक्कन इन्होंने तैयार कर दिया था, और अब देखिए आज फिर आ गए हैं मिस्त्री। ये नेक्स्ट डे है हमारा, तो यहाँ पे सुबह की मेरी साफ़ सफाई जैसे ही ख़त्म हुई, मेरा काम हुआ, तो यहाँ मिस्त्री आ गए हैं। और मैंने पहले बताया था आपको, जो ये दरवाज़ा है ये छोटे वाला हमारा, ये दूसरी गली पड़ती है हमारी, तो ये हमें निकलवा के दूसरे वाला गेट लगवाना है। इसमें क्या है, ये ना बहुत खुला है साइड में से भी, ऊपर नीचे से भी, तो इसमें जैसा धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है और चूहे वगैरह भी आराम से आ जाते हैं, तो इससे हमें इसमें बहुत दिक्कत हो रही। काफ़ी दिन से जब से हमने ये मकान बनाया तो इसमें यही वाला लगा हुआ, तो बस सोचते हैं कि करेंगे करेंगे, तो वही है, जब तक टाइम नहीं आता किसी चीज़ का तब तक कुछ नहीं हो पाता। तो यहाँ जैसे मैं साफ सफाई करके हटी तो तभी ये मिस्त्री जी आ गए थे, तो मैं बोल ही रही थी, मैंने कहा अभी मैं हटी हूँ करके, तो तभी आ गए। तो खैर जी, जैसे भी कैसे अपना काम तो कराना ही है। यहाँ पे ये सोफे हमने साइड कर दिए क्योंकि ये लोहे का काम है वेल्डिंग वाला, तो इस पर चिंगारी भी निकलेगी और धूल मिट्टी तो थोड़ी सी होती है, तो हमने ढक दिए। और सबसे पहले इन्होंने, मिस्त्री जी ने ये दरवाज़ा निकाल दिया है जो पुराने वाला, और नया हमने बनवा लिया, दूसरा नया आ गया था गेट बन के, वो तो 2 दिन पहले आ गया था लेकिन इनका लगाने का टाइम नहीं मिला था, तो यहाँ बस ये पहले, सबसे पहले इसको निकाल देंगे। तो ये गेट देखिए निकाल दिया है, अब जो दूसरे वाला नया बनवाया है वो लगा के देख रहे हैं ट्राई करके कि कैसे फिट होगा कैसे नहीं, तो थोड़ा सा ऊंच नीच सा तो हो ही जाता है लगाने में, तो इनको तो सारी सारा पता होता है, बस वही इसी तरीके से बस उसको मतलब अच्छे से फिट कर देंगे वो करके। वेल्डिंग वेल्डिंग मशीन भी इन्होंने ला रखी है यहीं पे, क्योंकि ये लोहे के कब्जे के साथ ही फिट होगा। तो यहाँ देखिए मिस्त्री जी लगे हुए हैं, और जो ये भैया ऑरेंज टी शर्ट वाले दरवाज़ा लगा रहे हैं, पता आपको बता दूँ, मतलब इतने अच्छे थे ये, मतलब एक बिल्कुल जो बोलते हैं ना टेंशन फ्री लोग होते हैं वो थे, और काम करने में भी बहुत एक्टिव थे बहुत ज़्यादा। और एक और बात बता दूँ मैं इनके बारे में, ये ना थोड़े से वो है, जैसे इनको पोलियो वगैरह हुआ होगा, मतलब पोलियो है इनको, एक हाथ में एक पैर में लग रहा था मुझे देखने से, पूछा तो मैंने नहीं, लेकिन फिर भी मतलब इतने एक्टिव काम करने में बहुत ज़्यादा, और मस्त थे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कह देते हैं मस्त है। और बहुत अच्छे से किया इन्होंने काम, और इनको देख के ना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हिम्मत सी आती है, ऐसे लोगों को देख लो, हम बिल्कुल सही है सारा कुछ है फिर भी इतनी टेंशन में होते हैं, कभी कहते हैं ये बीमार, हमें ये दिक्कत हो रही है हो रही, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इतनी दिक्कत होने के बाद भी फिर भी वे बिल्कुल मतलब मस्त होते हैं और काम में बिल्कुल भी हार नहीं मानते, तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए इनसे। और कल से मैं और ये हम दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा देखे कितने अच्छे हैं ये भैया और बिल्कुल लगे पड़े अपने काम पर। तो जी खैर देखिए दरवाज़ा हमारा लग के हो गया है तैयार, और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।